जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर की चर्चा है, लेकिन यह तीर्थंकर कोई जरूरी नहीं कि लाइन से हो। कई बार एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में 250 साल का गैप रहा है। अगर आप योग्य नहीं है तो तीर्थंकर का पद खाली रहेगा, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं भरा जाएगा। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। हालांकि ये बहुत प्राचीन ही काल में हो गए थे। इसके बाद अन्य कई सारे तीर्थंकर कि पारसनाथ ने चतुरायन धर्म दिया, चार बातों पर ध्यान दिया, उसी को चतुरायन कहते हैं। अगर पांच बातों पर बल देते तो पंचायन हो जाता, कि आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी है। तो इन्होंने कौन सा धर्म दिया? चतुरायन। पहला, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। सबसे पहले उन्होंने बोला था झूठ, ऐसे ना होगा, झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, जन लिख दिया। ए ओ, बड़ी टफ है जी हिंदी लिखना, धन संग्रह, चोरी नहीं करना और हिंसा नहीं कर, हिंसा नहीं करना। इन चार चीजों पर बल दिया किन्होंने? पारसनाथ ने। अतः इन्हें चतुरायन धर्म कहा गया। क्या कहा गया? चतुरायन धर्म। और ये सब आप लोग करते हैं, सुबह उठते झूठ बोलते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसे देखिएगा ना, इतने सीधे होते हैं वो, जब मोर पंख का झाड़ू टाइप का लिए रहते हैं, वो झाड़ते हुए चलते हैं कि कीड़े मकोड़े तक को भी कोई क्षति नहीं पहुंचे। इतना मतलब वो लोग हिंसा में शांति से वो लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं। कभी जैन दीक्षा देखिएगा ना, बड़ा आप मतलब रो देगा आदमी वहाँ पे। जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जैन धर्म अपनाते हैं लोग ना, इतना बड़े बड़े अमीर घर से आएगा, सब अपना सब कुछ त्याग दे लेगी। बहुत टफ है जैन धर्म के नियम को पालना, बहुत टफ। अगर किसी धर्म में सबसे कठोर नियम है ना, या मतलब इतना मतलब पूरी संसार को ही छोड़ देना है वहाँ पे, तो बहुत टफ रह जाता है वहाँ पे। फिर भी लोग अपनाते हैं, जैन धर्म के लोग बहुत देखिएगा आगे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आप उनमें बस रोका हो, हमारा जैन धर्म का ही है, हम कोई दीजिए, नहीं, कभी नहीं। आप देखिएगा वो कम संख्या ही कम है, लेकिन हर बड़े पोस्ट पे आपको मिलेंगे, और कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों की सेवा करते रहेंगे, ये सब करते हैं। जैन लोग ठीक ठाक परंपरा में रहते हैं। जैन धर्म की दीक्षा बहुत कठिन है बाबू, हमको लगता है पृथ्वी पर जितने धर्म है उसमें सबसे कठिन अगर दीक्षा है ना, तो जैन धर्म की दीक्षा है। माँ बाप जिस तरह दूल्हा बनता है ना, जैसे दूल्हा कैसे दूल्हा को सजा के लाया जाता है, उसी तरह जब कोई मोक्ष जाता है ना सन्यासी जीवन पे, तो उसको दूल्हा की तरह सजा के लाया जाता है। सारे वस्त्र त्याग करेगा, मित्रों का त्याग करेगा, सब कुछ त्याग करेगा सबके सामने, और उसके बाद अंतिम बार अपने परिवार से मिलेगा, उसके बाद फिर कभी नहीं मिलेगा संसार की जो है। पूरा भिक्षा, जैसे पूरे भारत भ्रमण करने लगेगा भिक्षा में, यहाँ पर भिक्षु में। अब बड़े बड़े लोग आते हैं इसमें भिक्षा में, कई कई इंजीनियर डॉक्टर हैं, और सब कुछ हो गया, उनको लगा कि अब सांसारिक जीवन को छोड़ देना चाहिए। बहुत जैन धर्म में, पहली बात देखो बाबू, जैन धर्म को ऐसा मत समझिएगा कि उसमें मतलब उनकी संख्या भले कम है, लेकिन एजुकेशन सोसाइटी ये सब में उनके कभी कमी नहीं देखिएगा। बहुत पढ़े लिखे होते हैं, चाहे जैन धर्म की महिलाएं हो, चाहे जैन धर्म में पुरुष हो, वो किसी को डिस्टर्ब ना, बहुत अपनी कठोरता से अपने नियम का पालन करते हैं वो लोग, बहुत टफ है उनका। तो चतुरायन धर्म किसने दिया? पारसनाथ। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर आए हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। इन्होंने क्या किया? इसमें एक और धर्म जोड़ दिया। क्या चीज? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो चतुरायन धर्म पहले से था, एक और क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। तो क्या हो गया? पंचायन धर्म। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिया वहां पे। आपको जीवन भर विवाह शादी नहीं करना है, इधर उधर तक चकर पकड़ नहीं करते रहना आप लोग को, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। तो कितना क्या हो गया? पंचायन धर्म। तो जैन धर्म को चतुरायन किसने बनाया? पारसनाथ। अब पंचायन बना दिया महावीर स्वामी, पंचायन बना दिया महावीर स्वामी। ये लोग का नियम इतना, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते,
सूरज डूब गया ना तो उसका अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करते हैं, नॉनवेज वगैरह तो कभी नहीं खाते हैं ये लोग, इतने अहिंसा प्रेमी है। क्योंकि हिंसा, आप हिंसा क्या है, आपको नहीं करना है, और नॉनवेज में तो हिंसा करना ही पड़ता है, बिना कटले हो जाएगा कैसे यहाँ पर। मछली उछली है तो भर उसमें भी तो हिंसा ही है, बहरवा निकालेंगे तभी तो मरेगी यहाँ पर। तो पंचायन धर्म किसने दिया, महावीर से। और इसमें क्या था, आपको ब्रह्मचर्य को पालन करना था, किसका पालन करना, ब्रह्मचर्य को। आपको लाल पीला हरा करना ही नहीं है, चकर पकड़ करना ही नहीं है, ईश्वर में विलीन रहिए, सांसारिक को देखिए कि संसार दुखों से क्या है, भरा है। यहाँ पर आप उपदेश दीजिए, और जैन धर्म के उपदेश आपको जीवन जीने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भगवान ने ये किया, हमारे भगवान ने वो किया, बाकी धर्मों की तरह जाके जैन धर्म में बैठिए करना, तो बाकी धर्मों में उपदेश कहाँ, मतलब उपदेश थोड़ा उपदेश और बाकी सब तारीफ चलता है, नहीं समझे, और खूब ये हो गया वो हो गया। जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ों को उपदेश दिया जाता है, यहाँ पर बहुत कठिन हो गया जैन धर्म। ब्रह्मचर्य जोड़ने से ये हुआ कि बाकी चीज़ों को फॉलो करना बड़ा इजी हो गया। जैसे मान के चलिए कोई ब्रह्मचर्य है, उसको ज़्यादा तामझाम मतलब नहीं है, विवाह शादी किया नहीं, सांसारिक जीवन से मतलब नहीं, फोन ओन उसका आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बहुत कम में झूठ बोलना पड़ेगा। आजकल के समय में तुम लोग को ज़्यादा झूठ इसी सब चक्कर में बोलना पड़ता है, स्टूडेंट लाइफ में आधा झूठ बोलने का चक्कर यही है। तुम लोग किसी और के साथ घूम रहा होता है और घर से फोन आया तो बाद में बात करते हैं, क्लास में है, हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़े। तो बताइए पंचायन धर्म किसने दिया, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म में बहुत तेजी से विकास हुआ, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा जाता है। हालांकि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। किसी को दिक्कत नहीं ना, देखिए अब लड़कों को कन्फ्यूजन ये हो जाएगा ना, अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी में दिक्कत नहीं होगा, वो पहला और 23वां में कन्फ्यूज हो जाता है, कभी कभी पहला को बोल देता है पारसनाथ। देखिए पहला जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपका सकल ऋषि मुनि की तरह रहना चाहिए, ऐसे ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा, जब आप कोई धर्म स्टार्ट करते हैं तो आपको ऋषि मुनि की तरह दिखना चाहिए। तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषि मुनि से याद रखिएगा ऋषभदेव, ऐसा कोई जरूरी नहीं ऋषि मुनि की तरह दिखना चाहिए, हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। आप किसी को दिक्कत, तो पहले तीर्थंकर ऋषभ, 23वें, 24वें, हाँ महावीर स्वामी, कोई दिक्कत। चतुरायन धर्म दिया, पंचायन धर्म, हिंसा करना था, धन संग्रह, चोरी, झूठ बोलना नहीं था, समझ आ गया, ब्रह्मचर्य पालन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये पांच नियम दिया था उन्होंने। इन पांचों में तुम लोग का कोनो फॉलो नहीं करता है, तुम लोग कौन फॉलो करता है, धन संग्रह नहीं करता है, ये कौन चाहिए धन तुम्हारा, चलिए धन संग्रह आप फॉलो नहीं करते, पैसा नहीं बचाते हैं, बचबे कहां करता है पैसा आप लोग का, तो खर्चा हो जाता है आप लोग से, नहीं तो बचाता था तुम लोग पक्का, तो लिमिटेड आता ही आप लोग का। और कौन सी चोरी, अच्छा चोरी नहीं करते लो, चलिए अच्छी बात है। हिंसा, हाँ ठीक है, हिंसा से नहीं बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, खास करके रूम पार्टनर अगल बगल में एक बार लड़ाई झगड़ा कर देते हैं तो कम से कम 3 दिन डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा, कितना अब ऐसे आपसे कुछ होने होने वाला नहीं है लेकिन 3 दिन तो कहेंगे इसको बताएंगे हम, इंतकाम देखेगा अब ये मेरा।